अखिल भारतीय धोबी महासंघ की पश्चिम बंगाल शाखा ने कोलकाता के मित्रा लेन महाजती सदन के निकट श्री गाटके जी महाराज का 145वां जन्म दिवस पालन किया। आइए जानते हैं इनके मेंबर ने क्या कहा। हम लोग हट जाए मीटिंग बुलाया। आज की जो प्रोग्राम है ये अखिल भारतीय धोबी महासंघ पश्चिम बंगाल कमेटी की ओर से आयोजित किया गया है और आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है हमारे संत गाड़गे जी महाराज जिनका 145वां जन्म दिवस को हम लोग पालन करने के लिए आज का ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। महासंघ है कि पूरा भारतीय ये ऑल ओवर इंडिया वॉशरमैन फेडरेशन है ऑल ओवर इंडिया, तो हमारे जो वेस्ट बंगाल कमेटी है उन्होंने ये प्रोग्राम को आज, क्योंकि ये भारतवर्ष के हर राज्य में इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है, अपने अपने राज्य में अपने अपने स्तर पर ये हमारे संत गाड़गे जी महाराज हैं जो एक धोबी परिवार में ही जन्म लिए हैं और ये महाराज ही महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मैसेजेस और बहुत ही समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य करके गए जो सराहनीय है। आज उनके जो दिए गए मैसेज को हम लोग अपना उद्देश्य मानकर उस राह पे चल रहे हैं। कितने लोग मेंबर पार्टी के, मतलब एसोसिएशन के मेंबर? हमारे पश्चिम बंगाल कमेटी में जो है नियर अबाउट आपका 100 मेंबर है और उसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, उसके अलावा हमारा जोन कमेटी है, तो ये पूरा पश्चिम बंगाल में ही एक स्टेट कमेटी, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जोन ऐसे कर करके हमारा वोटिंग होता है क्या? हाँ हाँ, हम लोग का बदला लास्ट ईयर आज ही के दिन 22 फरवरी और 23 फरवरी को एक प्रोग्राम हुई थी शोभा बाजार के प्रतिष्ठा कम्युनिटी हॉल में, तो उसमें हमारा नेशनल जो प्रेसिडेंट है उनका चुनाव किया गया था, वो श्री कृष्ण कुमार कनौजिया जी महाराष्ट्र से, तो वो विजय घोषित हुए थे, तो वो जो प्रोग्राम है पश्चिम बंगाली हमारा हेड ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया का, तो वो प्रोग्राम भी हम लोग शोभा बाजार में प्रतिष्ठा मैरिज हॉल में वो इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन के द्वारा हम लोगों ने नेशनल का प्रेसिडेंट चुना गया था और उसके बाद फिर हमारा हर 3 साल में वो नया कमेटी। संस्था और साल भर क्या काम करते हैं? ये संस्था अपने समाज के उत्थान के लिए जो भी लड़ाई होता है वो करती है, समाज के भला के लिए, जो भी समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए, अगर कोई, क्योंकि हमारा समाज एक पिछड़ा वर्ग का समाज है, फिनंशियल बहुत तरह का प्रॉब्लम होती, तो जिनके जैसे बच्चों किसी के गरीब की लड़की की शादी में प्रॉब्लम तो समाज के लोग खड़ा होकर उसको भी देखते हैं, किसी का एडुकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा समाज इस पर ये रहती है, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप और बहुत तरह के बच्चों का कोई भी प्रोग्राम हो ये सब। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हम लोग सरकार से, क्योंकि हमारे समाज का अभी भी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र जो है वो मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जाने के बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हम लोगों को एक ऐसी सुविधा दें कि हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी अगर अपने लीडर पे के अगर किसी को हम बोलते हैं कि ये धोबी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज का कौन ये है, तो हम चाहते हैं कि उस लेटर पे में जो लिखा हुआ हमारा जनरल स्टेट जनरल सेक्रेटरी का सिग्नेचर प्रेसिडेंट का रहे तो उसको मान्य दिया जाए कि हम अगर किसी को अप्रूव करते हैं कि ये धोबी है तो उनसे और ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स का क्वेश्चनिंग ना आए उनके पास। आपका नाम? हमारा नाम सूरज रजक। डेजिएशन संस्था अखिल भारतीय धोबी महासंघ क्या है? हम मेंबर हैं। हाँ।